अरुणिता कल तक मुंबई में थे और आज ये यूएसए में पहुंच चुके हैं। एक दिन पहले ही ये यूएसए से मुंबई में और एक दिन बाद ये मुंबई से फिर से यूएसए पहुंचे, जिसकी दिलचस्प पिक्चर आप सामने आ चुकी है। पवन अरुणिता एक दिन के लिए मुंबई में आए थे, ऐसा क्यों हुआ ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। शो की वजह से इन्हें यूएसए से एक दिन के लिए मुंबई आना पड़ा और फिर से यूएसए जाना पड़ा। अब ये अपना शो निपटाने के बाद फिर से मुंबई आएंगे। बड़ौदा में कल इन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और फिर कल रात को ये यूएसए के लिए निकल चुके थे। अब ये यूएसए पहुंच गए हैं और वहां से दिलचस्प पिक्चर भी शेयर कर दिए हैं। तो फैंस दोबारा यूएसए गए, पवन अरुणिता ने जबरदस्त पोज शेयर किए हैं। इस बार पवनदीप अरुणिता के साथ दानिश शायली भी गए हैं और पवन अरुणिता की कुछ पिक्चर्स में दानिश शायली नहीं दिखाई दिए, लेकिन कुछ पिक्चर्स में पवनदीप अरुणिता के पास में दानिश दिखाई भी दिए। फोटो में पवनदीप अरुणिता बहुत क्लोज होते दिखाई दिए। पवन अरुणिता होटल में डिनर करते हुए भी दिखाई दिए। डिनर टेबल पर अरुणिता मस्ती करती हैं और अरुणिता उठपटांग हरकतें कर रही थी तो पवन उन्हें बहुत गौर से देख रहे थे। कई बार पवन ने अरुणिता से धीरे से कहा कि बस करो अब, लेकिन अरुणिता अपनी इन हरकतों में मगन नहीं। कार के अंदर से भी पवन अरुणिता की कुछ पिक्चर्स देखी जा रही हैं। आप पवनदीप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पवनदीप इस वक्त अपने शो में बिजी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणिता उनके शहर उत्तराखंड चंपावत पहुंच गई हैं। जी हाँ, सुबह सुबह अरुणिता की बहुत ही खूबसूरत वीडियो सामने आई है। पवन के ना होने पर अरुणिता ने पवन के घर वालों का जिस तरह से ख्याल रखा है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अरुणिता की बहुत ही प्यारी वीडियो चंपावत से आई है। जी हाँ, चंपावत में अरुणिता अपनी ननद और ससुराल वालों के साथ खूब मौज मस्ती करती दिखाई दी। इस वीडियो को अभी अभी टीम के एक शख्स ने शेयर किया है। वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग पूछ रहे कि अचानक अरुणिता चंपावत कैसे पहुंच गई, वो भी बिना पवन के, क्या सब कुछ ठीक है? तो फैंस, अगर आपको भी ऐसा ही कुछ लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरुणिता का ये वीडियो पुराना है। जी हाँ, वीडियो मस्त है, जबरदस्त है, लेकिन ये वीडियो पुराना है। उस वक्त का है जब पवनदीप अरुणिता अगस्त के महीने में अपने गाने को शूट करने के लिए चंपावत गए थे, तब ये वीडियो शूट किया गया था। लेकिन इसे अभी शेयर किया गया, जिसकी वजह से लोग हैरान हैं और एकदम से पूछने लगे कि अभी अभी अरुणिता मुंबई में थी और उनके शो भी चल रहे हैं, फिर वो चंपावत क्यों पहुंच गई? क्या चंपावत में पवनदीप के घर में सब कुछ ठीक है? क्या उनके ससुराल वालों ने उन्हें बुलाया? क्या ससुराल वालों का प्यार अरुणिता को चंपावत खींच ले आया? तो ये तो बात है, अरुणिता को पवन के घर वाले बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बुलाते भी हैं, और उसी वक्त पवनदीप अरुणिता ने अपने घर जाकर खूब टाइम भी स्पेंड किया था। आपको बता दें, अरुणिता इस वक्त मुंबई में है और वो आज या कल में साउथ अरबिया के लिए निकलने वाली है, क्योंकि 23 सितंबर को पवनदीप अरुणिता का साउथ अरबिया में शो होने वाला है। तो आप पवनदीप अरुणिता के शो को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। कोलकाता में पवनदीप का कुछ इस तरह से स्वागत हुआ कि आप या हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसलिए ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वीडियो देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ गए, जब पूरे मॉल में पवनदीप का नाम गूंज रहा था। और तभी इस भीड़ में कुछ ऐसा हुआ कि पवनदीप भी कांप गए और अरुणिता गुस्से से लाल हो गई। वीडियो में दिखा दे कि एक फैन ने पवनदीप के पास आने के बहाने क्या हरकत की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू ब्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, माना कि पवनदीप राजन बहुत अलग नेचर के हैं, वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके कायल हो जाते हैं, वो सबके प्यारे बन जाते हैं। अब इसमें पवनदीप का क्या दोष? ऊपर वाले ने उन्हें इतनी फुर्सत से बनाया ही है कि लोग काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए मॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और उनके लिए घंटों इंतजार करते हैं। जी हाँ, कोलकाता के एक मॉल में पवनदीप और इनकी मूवी की पूरी टीम प्रमोशन के लिए जाती है। पवनदीप के साथ मूवी के राइटर, डायरेक्टर और मूवी के स्टार प्रदीप और क्रिस्टीना भी, और इन सबसे पहले पवनदीप का स्वागत किया गया,
जैसे ही मंच पर पवनदीप को बुलाया जाता है तभी जनता पवनदीप का नाम जोर जोर से चीखने लगती है। उनके लिए लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। पूरा मॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होता है। वीडियो में देख सकते हैं कि मॉल में कितनी भीड़ है और लोग किस तरह पवन पर प्यार लुटा रहे हैं। तभी एक लड़की जो कि पवनदीप की बहुत बड़ी फैन बता रही थी, उस लड़की को पवनदीप पर इतना प्यार आता है कि वो मंच पर चली आती है और पवनदीप का हाथ पकड़ लेती है। लड़की यहीं पर नहीं रुकती है, उसे खुद पर कंट्रोल नहीं होता तो वो पवनदीप को किस करने के बहाने आगे बढ़ती है और तभी पवनदीप झटके से उसका हाथ छोड़ते हैं और पीछे की तरफ हट जाते हैं। वो कांप जाते हैं क्योंकि पवनदीप को कभी भी ये सब करते नहीं देखा गया। अरुणिता कांचीलाल भी लड़की को ये सब करते देख हैरान रह गई और अरुणिता के शहर में पवनदीप का जिस तरह से स्वागत किया गया वो देखकर अरुणिता बहुत खुश हुई। तो आप पवनदीप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि पवनदीप कोलकाता जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, पवनदीप अरुणिता के शहर कोलकाता जा रहे हैं। और इससे पहले आप कुछ और बोले, हम आपको बता दें कि शायद अरुणिता इस बार पवनदीप के साथ कोलकाता नहीं जा पाएंगी। जी हाँ, कोलकाता शो की खबर सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि सिर्फ पवनदीप ही जा रहे हैं, उनके साथ अरुणिता नहीं है, तो लोगों को बुरा भी लगा क्योंकि अरुणिता का तो कोलकाता में घर है और वो ही ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। कल रात पवनदीप लाइव आए, उन्होंने अपने इस शो को लेकर फैंस को जानकारी दी, लेकिन उनकी इस वीडियो में कहीं भी अरुणिता नहीं दिखी। अगर अरुणिता इस शो में शामिल होती तो बेशक वीडियो में दिखाई देती, वो भी अपने फैंस को जानकारी देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब साफ है कि इस बार कोलकाता सिर्फ पवनदीप जा रहे हैं, अरुणिता नहीं जा रही हैं। अगर अरुणिता गईं तो वो अपने घर होकर आएंगी, अपने माँ पापा से मिलकर आएंगी, लेकिन शो के लिए नहीं जाएंगी। मैं आपको बता दें, अरुणिता के घर वालों की बात करें तो जब भी पवनदीप अरुणिता का शो कोलकाता में किसी भी जगह पर होता है, अरुणिता के घर वाले उस जगह पर जाकर लाइव शो देखते हैं। मतलब पवन का शो देखने के लिए अरुणिता के घर वाले जरूर पहुंचेंगे, पवन की मुलाकात अरुणिता के घर वालों से होगी, लेकिन अरुणिता नहीं होगी। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। वेल, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या पवन कोलकाता जाएंगे, अरुणिता नहीं जा पाएंगी? फिलहाल तो ये 9 सितंबर यानी कल ही पता चल पाएगा कि शो में पवन के साथ अरुणिता है कि नहीं है। पिता ड्राइवर और माँ हाउसवाइफ, पूरे दिन पसीना बहाते हैं तो मनी के माता पिता अपने मनी को दो वक्त का खाना खिलाते हैं। ऐसे में मनी खाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते, लेकिन मनी की किस्मत ने साथ दिया और वो जमीन से उठकर आसमान तक पहुँचे और बड़े बड़े स्टार्स तक मनी का सब